I've fallen in love with I Love. I love. दिल बोले वाव। ओम स्वस्तिना इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्तिना पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिनस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ भूर्भुवः स्वरद्योरेव भूम्नः पृथिवीवरेण्यं तस्यास्ते पृथिवी देवाय जनित्री। आयुष्मान भव अखंड सौभाग्यवती भव। आयुष्मान भव सौभाग्यवती भव। यदि आप न होते केशव तो मेरी मांग जीवन भर सूनी रहती। आपने मुझे ये वर देकर मुझे कृतार्थ कर दिया। हमने कुछ नहीं किया कुलवधू मौरवी। वर वधू के जोड़े तो स्वर्ग में बन जाते हैं, धरती पर तो केवल औपचारिकता निभाई जाती है। तुम्हें घटोत्कच के लिए और घटोत्कच को तुम्हारे लिए ही बनाया गया था। हमने तो केवल तुम दोनों का मिलाप करवाया है। सौभाग्यवती भव आयुष्मान भव। अब हमें आज्ञा दीजिए दादी माँ। बस पौत्र, इतनी शीघ्र मनोब गया अपनी दादी माँ से। अभी तो हमने वर वधू को जी भर के देखा भी नहीं। कुछ दिन और रुक जाते। अवश्य रुक जाता दादी माँ, किंतु हमें उस माता का आशीर्वाद भी लेना है जो यहाँ से दूर वन में आंखें बिछाए हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। हिडिम्बा को भी यहीं आ जाना चाहिए था। बहुत समय बाद तो हमारे कुल में कोई विवाह हुआ है। इस शुभ अवसर पर वो भी यहाँ होती तो कितना अच्छा होता। आप तो जानती हैं दादी माँ कि माता श्री ने अपने विवाह से पहले ही ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि वो विवाह के पश्चात अपने जीते जी कभी पिताश्री के वंश या राजमहल में प्रवेश नहीं करेंगे। उस समय परिस्थितियां कुछ और थीं। हाँ पुत्र, उस समय परिस्थितियां कुछ और थीं, परंतु आज तो परिस्थितियां बदल गई हैं ना। परिस्थितियां बदल जाएं तो सब कुछ बदल जाता है ना। परिस्थितियां बदली जा सकती हैं, किंतु प्रतिज्ञा ना बदली जा सकती है ना तोड़ी जा सकती है। वो तो एक बार हो गई सो हो गई। और आप तो माता श्री के स्वभाव से भलीभांति परिचित हैं, वो कभी नहीं बदल सकती। हम सब भाभी श्री के स्वभाव से परिचित हैं, वो कभी नहीं बदलेंगी, क्योंकि वो उस कुल की वधू है जिस कुल ने पितामह भीष्म जैसे महापुरुष को जन्म दिया है। सारा संसार बदल जाए, उस कुल की रीति नहीं बदल सकती। धन्य है भाभी श्री हिडिंबा, जिन्होंने अपनी प्रतिज्ञा निभाने में हर सुख को बलिदान कर दिया। जाओ वत्स, हम सब तुम दोनों के सुखी जीवन की कामना करेंगे। आयुष्मान भव। कृपा कृष्ण की हो गई, मिला सकल परिवार। वधू और वर को मिला शुभाशीष उपहार। शुभाशीष उपहार। आयुष्मान भव अखंड सौभाग्यवती भव। आयुष्मान भव सौभाग्यवती भव। विजयी भव पुत्र। माताश्री, कहाँ हैं आप? देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। पुत्र, माताश्री, ये आपकी बहू है। मौरवी, माताश्री के चरण स्पर्श करो। नहीं नहीं बधू, मेरे गले लग जाओ। मैं जानती थी, यदि केशव ने तुम्हारे लिए किसी कन्या को चुना है तो वो जरूर जान का टुकड़ा होगी। मैं आपकी सेविका हूँ माताश्री। नहीं नहीं, सेविका नहीं, संगिनी कहो। सच पूछो तो इस वन में, अकेलेपन में मन बहुत घबरा जाता था, किंतु अब नहीं घबराएगा। अब तुम जो आ गई हो। और सुनो, यदि तुमने वधु को दुख दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? समझ गया माताश्री। नई वधु मिली तो पुत्र पुराना लगने लगा। नहीं नहीं, ये बात नहीं है पुत्र। वधु के आने से माँ के प्यार पर पुत्र का अधिकार बस आधा हो जाता है, शेष आधा अधिकार तो बहू का होता है। नारी तो अर्धांगिनी होती है, अपने पति की हर दुख सुख में साथी होती है। उसके आने से वंश बढ़ता है, कुटुंब बढ़ता है। किंतु मुझे एक बात की चिंता अवश्य है। किस बात की चिंता माताश्री? वधू, तुम महलों में पली हो। तुम्हारा अब तक का जीवन बहुत सुख और आनंद से बीता है। कहीं इस वन और कुटिया में तुम्हें कष्ट ना हो। प्यार यदि कुटिया में मिले तो ऐसी कुटिया महलों से श्रेष्ठ होती है, और इस वन में तो मुझे दूर दूर तक आपका प्यार दिखाई दे रहा है। बस मुझे आपका आशीर्वाद मिलता रहे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे आशीर्वाद दीजिए माताश्री कि मैं इस कुल की परंपरा का निर्वाह कर सकूं। वधू, भगवान तुझे सदा सुखी रखे। तुझे मेरे पति जैसा महावीर और तेरे पति जैसा बलवान पुत्र दे। रुको, मैं अभी आई। लिए आरती हाथ में, भरे हृदय में प्यार, दुल्हन का स्वागत किया माँ ने अपने द्वार। माँ ने अपने द्वार। पुत्रवती भाव, आओ आओ।